press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Batman, Spider-Man, Superman. What is that thing which they all have in common? Of course, they all are men, but that special thing is their superpower. Sergey Brin, Larry Page, Bill Gates, Steve Jobs, Dhirubhai Ambani, Yuvraj Singh, Jhansi Ki Rani, Dashrath Manji, in sab mein common kya hai? In sab mein bhi common ek superpower hai, and that superpower is willpower. Willpower wo shakti hai jo ek aam insaan ko aam se khas bana deti hai. ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है और किसी भी परिस्थिति में लड़ने में, उससे जूझने में और उससे जीत कर बाहर निकलने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हाय, आई एम अनुराग ऋषि, अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, ह्यूमन माइंड ट्रेनर एंड अ काउंसलर, एंड टुडे आई एम गोना टेल यू ए टू जी ऑफ दिस विल पावर। ये विल पावर क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं और इस विल पावर को कैसे हासिल किया जा सकता है। ये जो विल पावर है, इसे जानना हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो या कोई भी। अगर किसी इंसान के पास विल पावर नहीं है तो वो क्वालिटी लाइफ कभी नहीं जी सकता, और अगर किसी के पास विल पावर है तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आई एम गोना वेपनाइज यू विद दिस विल पावर, क्योंकि सबसे बड़ा जो है हथियार उसका नाम है विल पावर। जितने भी लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं उनमें से 95% लोग इसे कभी अचीव नहीं कर पाते, और 90% लोग तो पहले 3 दिन के अंदर क्विट कर देते हैं। जितने भी लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उसमें से 95% लोग रिड्यूस नहीं कर पाते, और 90% लोग पहले 3 दिन एक्सरसाइज करने के बाद क्विट कर देते हैं। जितने भी लोग बैड हैबिट्स को, एडिक्शंस को, अल्कोहल को, स्मोकिंग को या किसी भी ड्रग एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, 99% लोग नहीं छोड़ पाते, और 95% लोग 1 दिन के बाद ही क्विट कर देते हैं। इन सब का कारण क्या है? लैक ऑफ विल पावर। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी में डेडली डिजीज, जानलेवा बीमारी से भी लड़कर जूझकर बाहर निकल आते हैं विल पावर। एक इंसान एक छेनी हथौड़े से पूरा पहाड़ चीर देता है, विल पावर। एक इंसान 1000 बार फेल होता है लेकिन उसके बाद भी लगा रहता है कि मुझे पूरी दुनिया को रोशनी देनी है, बल बनाना है, विल पावर। कैसे एक इंसान खुद ही अपनी कंपनी से निकाले जाने के बाद भी स्ट्रगल करता है और फिर एक दिन उसी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बनाता है, विल पावर। ये विल पावर अगर आप इसको डीपली स्टडी करेंगे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये किसी, अगर मैंने इसको सुपर पावर बोला है तो किसी कारण से बोला है, क्योंकि जिस तरह सुपर पावर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय चमत्कार कर सकती है, उसी तरह ये विल पावर भी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय चमत्कार कर सकता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि हम लोग हवा में उड़ेंगे? राइट ब्रदर्स जब प्लेन बना रहे थे, लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैसे एक लोहे का टुकड़ा हवा में उड़ सकता है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। कुछ लोग एडमंड हिलरी को बोलते थे कि तुम माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम नहीं कर सकते, विल पावर थी उस इंसान ने करके दिखाया। जो लोग अपनी जिंदगी में छोटी छोटी एडिक्शंस को नहीं छोड़ पा रहे, आपको उनमें विल पावर की बहुत भारी कमी मिलेगी। लेकिन द गुड न्यूज इज कि विल पावर को गेन किया जा सकता है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी, किसी भी वक्त आप चाहो तो इस विल पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हो, बिकॉज विल पावर इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। पर सबसे पहले इसका मतलब समझना होगा। इसको समझने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विल और पावर। सबसे पहले हम विल को समझते हैं। विल क्या है? विल है एक इच्छा। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है या कोई भी बैड हैबिट क्विट करनी है या जिंदगी में कुछ भी मुकाम हासिल करना है, तो सबसे पहले उसकी डिजायर यानी उसकी इच्छा मेरे पास होनी चाहिए। अगर डिजायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सबसे पहली जरूरत जो है वो है विल। इसलिए किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। रास्ते वहीं बनते हैं जहां किसी के पास इच्छा होती है, किसी के पास डिजायर होती है। दूसरी चीज है पावर। जब ये आपकी इच्छा, जब आपका डिजायर, आपकी विल किसी ताकत से मिल जाती है, तो वो विल पावर बन जाती है, तो वो सुपर पावर बन जाती है, तो वो एक ऐसी ताकत बन जाती है जो चट्टानों को भी चीर सकती है। अ पर्सन विद स्ट्रांग विल पावर विल बी कॉन्फिडेंट इवन इन द स्ट्रांग ऑपोजिशंस। यानी जब परिस्थितियां सही हों
तो कोई भी उल्लू चुल्लू टिल्लू पिल्लू कोई भी कॉन्फिडेंट रख सकता है। जब जेब में दो पैसे हैं, हाथ में महंगा मोबाइल है, बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया गाड़ी है, सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा है, तो कोई भी कॉन्फिडेंट रह सकता है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब जिंदगी पटकना शुरू करती है, क्योंकि लाइफ इज लाइक एन ECG, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अप कभी डाउन, और ये अप डाउन इन परिस्थितियों को वही इंसान झेल सकता है जिसके पास विल पावर है। वही इंसान जिंदगी में दोबारा खड़ा हो सकता है जिसके पास विल पावर है। और असली कॉन्फिडेंस, रियल कॉन्फिडेंस, आप बहुत से लोगों को देखेंगे उनके पास रियल कॉन्फिडेंस होगा। वो कभी भी अपने गैजेट से या अपनी अमीरी से, अपनी अपनी रिचनेस से दूसरों को इंप्रेस नहीं करते। वो अपनी माइंड की अमीरी से, वो अपने विल पावर से दूसरों को इंप्रेस करते हैं। उनकी इच्छा शक्ति दूसरों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इस विल पावर को अचीव कैसे किया जाए, हाउ टू अचीव दिस विल पावर, इसको अचीव करने की जरूरत नहीं है। विल पावर इज अ मसल, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और ये हमारे पास है। अगर टेक्निकल टर्म्स में, टेक्निकल एस्पेक्ट में समझाऊं तो हमारे माइंड का एक एरिया है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो हमारा इंटेलिजेंट माइंड है, जो हमारी विल पावर के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स भी इसी माइंड में प्लान होते हैं। एक हमारे माइंड का दूसरा एरिया है जिसको प्रिमिटिव एरिया कहा जाता है। ये बहुत नॉटी माइंड है और ये सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा एनिमी है। तो जिंदगी में कई बार हमने अपने नॉटी माइंड को अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी अपने इंटेलिजेंट माइंड के ऊपर हावी होते देखा हो। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉन्ग टर्म गोल्स लेता है, यानी मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, लेकिन जो हमारा नॉटी माइंड है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। वो जब आप ये प्रण लेते हैं कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, तो वो शाम को बोलता है चलो यार आज केक खा लो, की फर्क पड़ता है, कल से तो शुरू करना है। एक स्मोकर को वो बोलता है चलो यार आज तो सिगरेट पी लेते हैं, कल से क्विट करेंगे, और फिर कल भी यही होता है कि चलो एक दिन और पी लेते हैं, चलो एक दिन और डिले कर लेते हैं। जो इंसान इस प्रिमिटिव एरिया से दबा हुआ, जिसका प्रिमिटिव एरिया ज्यादा ग्रो कर चुका है, वो इंसान का नॉटी माइंड बार बार ओवरकम कर जाता है। और यहाँ पे बहुत इजी है, इंटेलिजेंट माइंड को बढ़ाना बहुत ज्यादा इजी है, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो इतना इजी है जितना आपका सांस लेना, वो इतना इजी है जितना आपका खाना खाना। वो बहुत इजी टेक्निक है, और जब आप उसे अपनी जिंदगी में उतारोगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में मैं पूरे फॉर्मूलाज नहीं बता सकता, और बहुत जल्दी मैं एक कंप्लीट सीरीज, एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ये सारे फॉर्मूलाज को वन बाय वन डिफाइन करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक पावरफुल फॉर्मूला आपको देना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाए, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस और पेशेंस, तो आप इस विल पावर को बहुत इजीली अपने ब्रेन में इंस्टॉल कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। मैं एक ऐसी टेक्निक आपको बताने वाला हूं जो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, द टेक्निक ऑफ प्रॉमिसिंग योरसेल्फ। इसमें आपको अपने आप से वादा करना है, इसमें आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है, और ये बहुत ज्यादा टीडियस नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहने वाला हूँ आज कि आज से ही आप मीठा खाना छोड़ दो, या आज से ही आप स्मोकिंग क्विट कर दो, एल्कोहल क्विट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक डॉक्टर बोलता है कि ये डोज सुबह दोपहर शाम तीन टाइम आपको लेनी है, उसी तरह ये प्रैक्टिस आपको दिन में तीन बार करनी है। आप चाहो तो 10 बार भी कर सकते हो, 20 बार भी कर सकते हो, ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। बस आपको अपने मन में किसी चीज को सोचना है और उसे पूरा करना है कि अगले 10 मिनट तक मैं नीचे नहीं देखूंगा, एज सिंपल इज दैट। और आपको नेक्स्ट 10 मिनट तक नीचे नहीं देखना। अगर इस सिंपल सी चीज को आप पूरा कर पाए तो आपका ब्रेन ये नहीं देख रहा कि आपने क्या काम किया, बिल्कुल नहीं। आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो विल पावर को इंक्रीज करता है, वो ये देख रहा है कि आपने एक टास्क चुना और उसको अकम्प्लिश किया। आपने कहा कि आज जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो जितने भी साइन बोर्ड्स मुझे देखेंगे मैं उन्हें नहीं पढ़ूंगा, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि ये जो कहता है वो पूरा कर लेता है। आपका ब्रेन और ज्यादा स्ट्रेंथेंड होगा, आपकी विल पावर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट डे आपको ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टास्क करने हैं कि अगले 10 मिनट तक मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अगले 10 मिनट तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अभी से लेकर अगले 20 मिनट तक मैं फेसबुक या व्हाट्सएप चेक नहीं करूंगा। और अगर आप इसे अकम्प्लिश करते हैं, अगर आप इसे पूरा करते हैं, तो ब्रेन में ऐसे एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे जो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ये बताएंगे कि ये जो इंसान है ये जो चाहता है वो पूरा कर लेता है, ये इंसान जो करना चाहता है उसे पूरा करके दिखाता है। इन छोटी छोटी चीजों से आप धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, आप टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हैं कि आपको विल पावर इंक्रीज इसी के ऊपर प्रैक्टिस करो कि आज आने वाले नेक्स्ट एक घंटे तक मैं व्हाट्सएप नहीं चेक करूंगा।
कोई भी नोटिफिकेशन आएगी मैं उसे नहीं देखूंगा। और ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन बंद कर दो तो काम आसान हो जाएगा, आप नोटिफिकेशन आए उसके बाद उसे ना देखें तो आपका रियल टेस्ट होगा। कुछ लोगों को नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत है, धीरे धीरे अपने शरीर को खराब कर रहे हैं अपने आप से नेगेटिव बात करके। वो अपने आप को ये बोलें, ऑर्डर दें कि अगले एक घंटे तक मैं कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करूंगा, और कोई अगर मेरे से नेगेटिव बात करेगा तो मैं वहां से उठकर चला जाऊंगा। ये धीरे धीरे छोटी छोटी प्रैक्टिस आप जैसे जैसे करते जाएंगे, सिर्फ 30 डेज, कोई ज्यादा नहीं, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, 4-5 साल में आपको नहीं लेना, सिर्फ 30 डेज कमिटेड होकर आप अगर इन प्रैक्टिस को दे देते हो, दिन में 3 बार मिनिमम आपको ये करना है, मैक्सिमम चाहो तो 50 बार करो, और फिर आप इनकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, फिर आप इनका लेवल इंक्रीज कर सकते हो धीरे धीरे, रोज बिल्कुल ग्रेजुअली आपको इनका लेवल इंक्रीज करते जाना है। नेक्स्ट डे आप कह सकते हो कि आज पूरा दिन मैं कोई जंक फूड नहीं खाऊंगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये सभी एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि आपको इनको ही करना है, कुछ भी बहुत इजी है, आप अपने माइंड से कुछ भी चीज बना सकते हैं। सिर्फ आपको अपने दिमाग को ये ऑर्डर देना है कि जो टास्क मैं परफॉर्म करने वाला हूं मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपका ब्रेन समझ जाएगा कि बंदा बहुत ग्रेट है, जो टास्क चुनता है उसे पूरा कर लेता है। सिर्फ दिस इज द की कि इसके पास सेल्फ कंट्रोल है, इसके पास पेशेंस है, ये थोड़ी देर सब्र कर सकता है, ये बाहर का खाना छोड़ सकता है, ये गाली देना छोड़ सकता है, ये सिगरेट पीना छोड़ सकता है। आप ये अपने आप से बात करो कि अगले एक घंटे तक सिगरेट नहीं पीना। जो लोग स्मोकिंग की हैबिट रखते हैं, सब नहीं, जो लोग स्मोकिंग की हैबिट है जिनको, वो अपने आप से बात करें नेक्स्ट एक घंटा सिगरेट नहीं पीना, अगले दिन उसे 1.5 कर दो, अगले दिन उसे 2 कर दो, उससे अगले दिन उसे 3 कर दो, आप देखना कि 30 डेज के अंदर आप अपने अंदर एक मैसिव चेंज देखोगे, बहुत भयंकर बदलाव देखोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और यही चीजें, यही विल पावर जब आप अपने काम में लगाओगे कि मैं इसे अकम्प्लिश करके रहूंगा, आप अपने ब्रेन को ऑर्डर दोगे तो ब्रेन कहेगा जो हुक्म मेरे आका, क्योंकि वो जानता है कि ये इंसान जो सोचता है वो पूरा करके दिखाता है। और आप देखना फिर जो न्यू ईयर पे आप जितने भी रेजोल्यूशन बनाओगे सबको पूरा करोगे, आप उन 5% की कैटेगरी में आ जाओगे जो विल पावर के कारण अपने रेजोल्यूशन को पूरा करते हैं। आप जब चाहोगे तब अपना वेट घटा बढ़ा सकोगे, आप जब चाहोगे जिस टास्क को चाहोगे आप पूरा कर सकोगे, क्योंकि आपके पास है एक सुपर पावर जिसका नाम है विल पावर। आई विश यू एवरी हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।